बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ हो जाएंगे 77 साल के, यानी कि 77 ईयर ओल्ड। ऐसे में इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन जिस तरह से अपने काम के साथ लगाव रखते हैं, जिस तरह उन्हें बहुत ज्यादा मेहनती बने देखा गया है, जिनका वो प्रभावशाली पर्सनालिटी है, मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मोस्ट रेपुटेटेड पर्सनालिटी जो बॉलीवुड के कहलाते हैं, वो लाजवाब है उनका अंदाज जो कि फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, शहंशाह, जिनका नाम रखा गया शहंशाह से लेकर महानायक, जिन्हें कहा गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेगा स्टार, एकमात्र फिल्म इंडस्ट्री की ऐसे सेलिब्रिटी आज हमारे बीच अमिताभ बच्चन हैं, जिनके आगे पूरी दुनिया झुक जाती है जब वो अपने एंट्री से किसी भी टीवी टाउन के रियलिटी शो से लेकर इवेंट फंक्शंस में शिरकत करते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड के टॉप 20 इंस्पायर करने वाले सेलिब्रिटीज में अमिताभ बच्चन का नाम शुमार हुआ था एक साल। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन वही अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी सफर से इतना ज्यादा लगाव रखते हैं कि 77 की उम्र में भी वो अपने फिल्मी सफर को बरकरार रखते हुए हर तरह के रोल को अपनी करियर के लिए एक बड़ा मुकाम मानते हैं। यही कारण है कि 76 साल के अमिताभ बच्चन अपने 77वां जन्मदिन मनाने से पहले एक बड़ी खुशखबरी फैंस को देते नजर आए कि वो बहुत जल्द एक बार फिर एक नए किरदार में नजर आएंगे। सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच माना जा रहा है। ऐसी खबरें आ गई है कि अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म में एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाएंगे। रिसेंटली अमिताभ बच्चन को साईरा नरसिम्हा रेड्डी में देखा गया था, एक योद्धा की तरह बने हुए। उस फिल्म ने उनका अवतार काफी पसंद किया गया, फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली। तो वहीं अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जो कि अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म होगी, इस साल की तीसरी फिल्म होगी। बदला में इस बार नजर आए थे अमिताभ मार्च के महीने में, जिसमें एक वकील का किरदार और एक पिता का किरदार उन्होंने निभाया, जिसके बाद तीसरी फिल्म उनकी ब्रह्मास्त्र होने वाली है दिसंबर में, जिसमें अब रणबीर और आलिया होने वाले हैं। चौथी फिल्म की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन चेहरा में नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर ये फिल्म लाई जाएगी, जिसमें इमरान हाशमी की होने की, रेया चक्रवर्ती की होने की खबरें हैं। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। अमिताभ बच्चन नजर आएंगे एक फिल्म में जिसमें उनका किरदार होगा एक ट्रांसजेंडर का, ये कहा जा रहा है। तो ये सुनकर आप यकीनन सच में सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये सच है? तो ये जानने के लिए आपको हमारे खास प्रोग्राम के पूरी रिपोर्ट के देखना पड़ेगा, कैसे अमिताभ बच्चन की ट्रांसजेंडर बनने की खबरें आई हैं। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी के बीच हमारे इस चैनल के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं आपकी होस्ट श्रुति, चलिए आपको ले चलती हूं अमिताभ बच्चन को लेकर आई इस बड़ी खबर से रूबरू कराने के लिए बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। देखिए खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में ये खबर आई कि बॉलीवुड में अपने कैरेक्टर्स के लिए सब कुछ जी जान लगाकर अपनी मेहनत को पूरी तरह से ढालने की कोशिश में रहने वाले अभिनेताओं में अब नाम अमिताभ बच्चन का और भी एक सीढ़ी के साथ आगे बढ़ जाएगा। एक और सीढ़ी को पार कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। दरअसल बॉलीवुड में एक और नया लेवल तय कर लिया है अमिताभ बच्चन ने, और वो है ट्रांसजेंडर बनने का। इसे लेकर हो चुका है खुलासा कि बहुत जल्द अमिताभ एक और बड़ी फिल्म में नजर आएंगी, और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल होगा ट्रांसजेंडर का। अब तक आपने तमाम स्टार्स को ट्रांसजेंडर के किरदार में देखा होगा, लेकिन हाल ही में खबर आई कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में ट्रांसजेंडर की भूमिका में नजर आएंगे। जी हाँ, लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म में अक्षय कुमार तो होंगे जो नया ट्राई करने वाले हैं। इस बार एक बार फिर जो अपने नए कॉन्सेप्ट्स के लिए बीते कुछ सालों से काफी ज्यादा तारीफें लूट रहे हैं, और अमिताभ को तो अपनी करियर में हमेशा ही नए कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करना पसंद है। तो एक फिल्म का पोस्टर भी सामने आया है और वो लक्ष्मी बॉम्ब में ट्रांसजेंडर का लुक सामने आया है। ऐसे में माचो लुक से निकल कर बाहर ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करने के लिए जिस अक्षय कुमार ने साहस दिखाई है, उस अक्षय का साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी देने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन लक्ष्मी बॉम्ब में पहली बार ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे अमिताभ बच्चन ने साड़ी पहनकर नारियों की तरह डांस काफी किया है अपनी फिल्मों में, लेकिन अमिताभ बच्चन का ट्रांसजेंडर बनना अक्षय की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में हर किसी को हैरान करने वाला है।
अब अगर ये खबर सच होती है तो इससे बड़ा तोहफा फैंस के लिए अमिताभ की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जाना आपने कि सच है ये कि अमिताभ बच्चन के पास अगर ये फिल्म है, अक्षय कुमार की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाते हैं, तो सच में अमिताभ की करियर का ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। वैसे तो अमिताभ ने इतनी फिल्में की है कि उन्हें बॉलीवुड में अब अपनी करियर के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन काम से लगाव करना तो वाकई में अमिताभ बच्चन से सीखना पड़ेगा। जहां एक तरफ अपने क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आ रहे हैं अमिताभ, बर्थडे से पहले ही प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में जश्न में डूबे हुए, जहां अमिताभ काफी भावुक भी हुए, जिस अमिताभ बच्चन को खूब रोते देखा गया, काफी भावुक हुए वो अपने पिता से जुड़े उस वीडियो को देखकर जो तोहफे सम्मान उन्हें दिया गया कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 के एपिसोड्स के लिए। तो वही अमिताभ बच्चन जो रोते नजर आए, उन्हें अब आपको देखना होगा ट्रांसजेंडर के रूप में फिल्म में, तो सच में लकी है वो फैंस जो अमिताभ को हर किरदार में देख चुके हैं। एक एक्टर जो रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो, एक पिता एक बेटे, एक भाई से लेकर एक विलन से लेकर रोल प्ले कर चुके हैं जो मोहब्बतें में गुरुकुल के बड़े प्रिंसिपल के तौर पर। अमिताभ बच्चन जिन्होंने आर्मी वाली फिल्म में काम किया, देशभक्ति फिल्मों से लेकर उन्होंने पारिवारिक फिल्में की, अमिताभ बच्चन जिन्होंने 5 ऐसे फिल्में अभिषेक अपने ही बेटे के बेटे का किरदार निभाया, अमिताभ बच्चन जिसने पिंक जैसी मूवी और पीकू जैसी मूवी बॉलीवुड को दी, अमिताभ बच्चन जो कि 70 से लेकर 80 के दशक, 90 से लेकर अब 20वीं सदी में भी काफी ज्यादा धमाल कर रहे हैं। लकी है वो फैंस जो अमिताभ के हर एक अलग अंदाज को देखने के लिए आज हमारे बीच हैं। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन के ट्रांसजेंडर किरदार के बारे में तो हमने बात की, आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में इससे पहले भी तमाम सितारे आए जिन्होंने किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर की भूमिका को पर्दे पर बड़े ही बखूबी अंदाज से निभाया। बड़े से बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े चेहरों ने ट्रांसजेंडर के रोल में फैंस के दिलों में जगह बनाई। तो कौन है वो, इसके लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें अमिताभ बच्चन ट्रांसजेंडर बनने वाले हैं। ये खबर आते ही काफी ज्यादा खबरें आने लगी। क्या बॉलीवुड में तमाम और सितारों ने ट्रांसजेंडर की भूमिका में लोगों का दिल जीता? तो इस सवाल का जवाब आपको दे दें, एक नहीं दो नहीं तमाम ऐसे सितारे हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर की भूमिका में लोगों के बीच अपनी एक अलग ही जगह बना ली, जिनमें नाम आशुतोष राणा का भी शुमार। फिल्म संघर्ष में ट्रांसजेंडर की भूमिका में आशुतोष काफी ज्यादा बेहतर किरदार निभाते नजर आए। लज्जा शंकर पांडे के किरदार से बच्चों को अगवा करने वाला एक विलन बनकर इस फिल्म में आशुतोष ने हर किसी का दिल जीता था, जो काफी खौफनाक कैरेक्टर था। इसके अलावा सदाशिव अमरापुरकर की बात करें तो सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का कैरेक्टर प्ले किया था, जी हाँ, जो हर किसी के दिल को छू गया था। इस कैरेक्टर के लिए उन्हें तमाम अवार्ड से नवाजा गया था। बता दें इस फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट नजर आने के साथ फिल्म सड़क में उनका काफी ज्यादा चर्चा वाला रोल था महारानी का, जिसमें सदाशिव की काफी तारीफ हुई थी। बात करें अगर महेश मांजरेकर की तो महेश मांजरेकर ने भी कंगना रनौत और पारस अरोड़ा की फिल्म राज्य में महेश ने ट्रांसजेंडर के रोल से हर किसी को अपना बनाया था। बेगम का किरदार निभाकर महेश ने कोठा चलाने वाली बाई के रूप में सभी के बीच, हर किसी के बीच अपनी जगह बना ली थी। इसके अलावा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने भी मल्टी कैरेक्टर प्ले करने की जो छवि अपनी बनाई है, उनमें एक कैरेक्टर उनकी तमन्ना फिल्म में ट्रांसजेंडर की भी है, जो साल 1997 में आई फिल्म थी, जिसमें पूजा भट्ट, शरद कपूर और मनोज वाजपेयी अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। इसके अलावा अब देखना होगा कि अमिताभ बच्चन और अक्षय अगर नजर आते हैं ट्रांसजेंडर की भूमिका में तो कैसे ये लोगों का दिल जीतते हैं। और जाना आपने परेश रावल ने भी ट्रांसजेंडर की भूमिका फिल्म पर्दे पर निभाई। इसके अलावा जितने भी सितारे की हमने बात की, सभी ने अपने करियर में अपने प्रोफेशन पर ध्यान बढ़ाया। प्रोफेशन को हमेशा ही प्रोफेशन समझने वाले सितारों ने अपनी पहचान भूलकर किरदार को पूरी तरह से दिल से लगाकर ट्रांसजेंडर की भूमिका में अपनी
तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी। यही कारण है कि आज ये सभी सितारे फिल्मी सितारों के बीच फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाते हैं, जहां उनकी एक अलग ही जगह है, जहां उन्हें अहम किरदार के लिए अब पहचान बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ट्रांसजेंडर की भूमिका में अब अमिताभ बच्चन क्या इन एक्टर्स को मात दे पाएंगे? क्या अमिताभ बच्चन इस भूमिका में नजर आकर अपने फैंस को सरप्राइज करने वाले हैं? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन की तरफ से रिटर्न बर्थडे गिफ्ट चाहिए फैंस के लिए? ये भी जानना होगा आने वाले एपिसोड्स में। इससे जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट हम आपको देंगे। अभी दीजिए मुझे यहीं पर इजाजत। देखते रहें फिल्मी दुनिया से जुड़ी हर तमाम खबरें, तमाम बड़ी अपडेट्स हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब। नमस्कार।